चित्रित किताब से कक्षा नौवीं का विषय हिंदी में उपभोक्तावाद की संस्कृति का अध्ययन करेंगे। अब है लेखक परिचय। श्यामाचरण दुबे, इनका जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय में से मानव विज्ञान में PhD की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। इनका देहांत 1996 में हुआ। इनके मुख्य कार्य हैं मानव और संस्कृति परंपरा और इतिहास बोध संस्कृति तथा शिक्षा समाज और भविष्य भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा विकास का समाजशास्त्र और समय और संस्कृति में अध्ययन। फिर है अब पाठ का सार। लेखक ने इस पाठ को उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है, नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हावी है और उपभोग भोग ही सुख बन गया है। बाजार विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोतियों जैसे बनाने वाला, कोई मसूड़ों को मजबूत। वनस्पति खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद हैं। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथवाश भी हैं। सौंदर्य प्रसाधन में तो हर मायने उत्पादन जुड़ जाते हैं। अगर एक साबुन को ही देखें तो एक साबुन उपलब्ध तरोताजा कर दे, शुद्ध गंगा जल से निर्मित, और कोई तो सिनेस्टास की खूबसूरती का राज भी है। संभ्रांत महिलाएं हैं। अब है प्रमुख कार्य। मानव और संस्कृति परंपरा और इतिहास बोध संस्कृति तथा शिक्षक समाज और भविष्य भारतीय ग्राम संक्रमण की पीड़ा। वस्तु और परिधानों की दुनिया से शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांडों के नए डिजाइन के कपड़े आ गए हैं। घड़ियां अब सिर्फ समय देखने के लिए बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में पहनी जाती। संगीत आए हैं, म्यूजिक सिस्टम बड़ा होना चाहिए तो ये, शादी विवाह पर 5 सितारा होटलों में बुक होना चाहिए तो इलाज करवाने के लिए 5 सितारा हॉस्टलों में भी जाया जाता है। शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद होना चाहिए, कॉलेज यूनिवर्सिटी बन जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद का विश्राम का प्रबंध कर लिया जाता है। कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत आदि का इंतजाम भी कर लिया जाता है। हमारी परंपराओं का अवमूल्यन हुआ, आस्थाओं का क्षरण हुआ है, हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है। और जैसे चिप्स और पिज्जा खाकर कोई भला स्वास्थ्य कैसे रह सकता है। व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है, स्वास्थ्य परमार्थ पर हावी हो रहा है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हैं, स्वस्थ बदलाव को अपनाना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ, शैली, ढंग, वर्चस्व, प्रधानता, विज्ञापित, सूचित, अनंत जिसका अंत ना हो, सौंदर्य प्रसाधन, सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री, परिधान वस्त्र, अस्मिता पहचान, अवमूल्यन, मूल्यों में गिरावट, शरण नाश, उपनिवेश व विजित देश जिसमें विजेता राष्ट्र के लोग आकर बस गए, प्रतिमान मानदंड, प्रतिस्पर्धा ओढ़, छद्म बनावटी, दिग्भ्रमे दिशा वही, वशीकरण वश में करना, अव्यय फिजूल करछी, तात्कालिक उसी समय का परमार्थ, दूसरों की भलाई। लेखक के अनुसार अब हम प्रश्नों का अभ्यास देखेंगे कि क्या बताया है। प्रश्न एक, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। उत्तर है, लेखक के अनुसार उपभोग का भोग करना ही सुख है, अर्थात जीवन को सुखी बनाने के लिए उत्पादों की जरूरत पड़ती है। दूसरा है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित करती है। उत्तर है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है, इसके कारण हमारी सामाजिक नींव खतरे में है। तीसरा प्रश्न, गांधी जी ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा। उत्तर, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं और नैतिकता के पक्षधर थे। गांधी जी चाहते थे लोग सदाचारी, संयमी, नैतिक बने, भाईचारा में रहें, प्रेम से रहें, संस्कृति के विपरीत चलती भी रहे तो भी ना चले, वह भोग को बढ़ावा देते थे जिसके कारण नैतिकता तथा मर्यादा का ह्रास हुआ। फिर है प्रश्न चार, आशय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है। आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। दूसरा, प्रतिष्ठा के अनुरूप रूप अनेक रूप होते, हास्यास्पद भी क्यों ना हो। उत्तर है, पहला, उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत कठिन है, सूक्ष्म है। उपभोग करते करते ना केवल उनके गुलाम होते जा रहे हैं बल्कि जीवन का लक्ष्य भी हम खोते जा रहे हैं। खा है, सामाजिक प्रतिष्ठा विभिन्न प्रकार की होती, जिनके रूप बिल्कुल विचित्र होते हैं, हास्यास्पद हैं, हंसने योग्य हैं।
अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा हो या ना हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देख रहे हैं हम उसे खरीदने के लिए ललायत हो जाते। क्यों? टीवी पर दिखाए जाने विज्ञापन बहुत ही सम्मोहक और प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों कानों को भा जाते हैं, विभिन्न दृश्य और ध्वनि के सहारे प्रभावित करते हैं, हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षक पैदा करते हैं। खाए जाओ, क्या करे, कंट्रोल ही नहीं होता इस प्रकार से। फिर छह है, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन, तर्क देकर स्पष्ट करें। फिर उत्तर है, वस्तुओं को खरीदने का एक ही आधार होना चाहिए वस्तु की गुणवत्ता। विज्ञापन हमें गुणवत्ता वाली वस्तुओं का परिचय करा सकते हैं। अधिकतर विज्ञापन हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण पैदा करते हैं, वे आकर्षक दिखाकर गुणहीन वस्तुओं का प्रचार करते हैं। साथ है, पाठ के आधार पर उपभोक्तावादी युग में पनपे क्यों पनप रही है दिखावे की संस्कृति, इस पर विचार व्यक्त करें। उत्तर है, यह बात बिल्कुल सच है कि आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है। आज लोग अपने आधुनिक से अत्याधुनिक कुछ हटकर दिखाने के चक्कर में, जैसे म्यूजिक सिस्टम, सौंदर्य प्रसाधन, मोबाइल फोन, घड़ी इत्यादि लाखों के खर्चे का उपभोग करते हैं। अब है आठवां, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित करती है, इसका उल्लेख दें। उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारे रीति रिवाज त्यौहार भी बहुत प्रभावित होते हैं। आज त्यौहार रीति रिवाज का दायरा सीमित होता जा रहा है। त्यौहारों के नाम पर नए नए विज्ञापन बनाए जा रहे हैं और विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं मिठाई चॉकलेट, रीति रिवाज आदि। नौ प्रश्न, धीरे धीरे सब कुछ बदलता जा रहा है। वाक्यों में बदलने के क्रिया विशेषण बताया गया है नीचे दिया, उसमें हम कुछ उदाहरणों से समझेंगे। जैसे उत्तर है, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण सब कुछ परिणाम वाचक क्रिया विशेषण। दूसरा, आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है, इस वाक्य में निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं, पहले कालवाचक क्रिया विशेषण बताया इस वाक्य में, यानी काल की, बहुत समय पहले की। अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी हो सकता है, आज कल कालवाचक क्रिया विशेषण बताया है। हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, इसमें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है।